क्या आपके साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है? देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, लेकिन फिर भी ये लिख रहा है दिस साइट कैंट बी रीच्ड। और देखिए मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ, जैसे लिखता हूँ यूट्यूब ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंडर। देखिए यूट्यूब, देखिए गूगल भी चल रहा है, कुछ कुछ वेबसाइट चलते हैं। देखिए ये वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये वेबसाइट आराम से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, देख सकते हैं क्या लिख दिया। क्या आपके साथ भी इस प्रॉब्लम हो रहा है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में इस सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपको अपने चले जाना होगा अपने सेटिंग पे। हर मोबाइल में सेटिंग होता ही है, तो आपके मोबाइल में भी सेटिंग ज़रूर होगा। तो आपको सेटिंग पे चले जाना होगा। जैसे आप सेटिंग पे जाओगे, आपको यहाँ पे कनेक्शन का मिलेगा ऑप्शन, उसके बाद यहाँ मोबाइल नेटवर्क, उसके बाद मेन चीज़ है एक्सेस पॉइंट नेम्स। आप सर्च भी कर लीजिएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, नहीं मिलेगा तो उसके बाद जो जिस सिम से आप चलाते हैं नेटवर्क डेटा यूज करते हैं उस सिम देख लीजिए, सिम वन सिम टू। तो मैं सिम वन करता हूँ, देख सकते हैं दूसरा चीज़ सेलेक्ट कर दिया हुआ है। अगर ये चीज़ आपका सेलेक्ट नहीं है तो जियो 4G पे कर लीजिए सेलेक्ट, आपका सही हो जाएगा। या तो उतना नहीं कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, आपका रिसेट टू डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाएगा। उसके बाद ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं, देखते हैं ओपन करके होता है या नहीं। मैंने सर्च किया था text.youtube.com, देखिए अब होने लगा या नहीं देख सकते दोस्तों। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले सेटिंग पे चले जाना होगा, या तो ऊपर में एरोप्लेन मोड है इसको इनेबल कर लीजिए, फिर एक बार ऑफ़ कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो स्विच ऑफ कर लीजिए, उसके बाद ओपन फिर कीजिए, स्विच ऑन कीजिए, उसके बाद हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपका इंटरनेट में कोई दिक्कत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।